रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा अमीन। आज हम हरे प्याज वाले जो हैं वो ग्रीन प्याज पकोड़ा बना रहे हैं। और मैंने सुना है, बल्कि देखा भी है कि तकरीबन हर जगह पे बारिश हो रही है, और बारिश में पकोड़े जो है वो हो जाए तो वो मज़ा दोबाला हो जाता है। बारिश का चाय के साथ शाम में पकौड़े बन जाए, तो इसीलिए मेरा दिल चाहा कि आज पकौड़े की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जिसके लिए मैंने जो है वो 1 पाव हरा प्याज लिया है। इसको सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट नहीं लिया मैंने, स्प्रिंग अनियन का टोटली पूरा 1 पाव प्याज। 8 से 10 जो है वो ग्रीन हरी जो पतली वाली मिर्ची होती है वो है, ये बहुत तेज होती है इसलिए मैंने जरा 8-10 ली है, दूसरी होती तो ज्यादा। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है, 1 खाने का चम्मच जीरा है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून नमक है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। ये जो है बेसन 200 ग्राम है, और 1 अदद हम आलू शामिल करेंगे, लेकिन आलू किस तरह शामिल करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, इस तरह का आजकल आलू आया हुआ है, मेरा दिल नहीं चाहता कि इसका छिलका उतार दे, इसका छिलका बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर आलू वाली रोटी में भी हम इसी तरह छिलके को बगैर उबाल के और इसी तरह हमने मैश कर लेते हैं। लेकिन इसको क्या करना है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसको हमने करना है कद्दूकश। आलू को हमने जो है वो कद्दूकश कर लिया है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हरा प्याज हमने धोकर काटा है, मतलब काटने के बाद इसको नहीं धोना, तो धोएं फिर इसको काटें। और सूखा धनिया जो है ना बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ से मसल लीजिएगा, उसकी अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करके ना, पहले पानी नहीं शामिल करना, पहले हम इस्तेमाल करेंगे बेसन में शामिल करके, इसको मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे कि पानी जो है वो कितना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन शामिल करेंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स किया है लेकिन पानी अभी तक शामिल नहीं किया, ये देखें हल्का सा पानी शामिल करना, ज़्यादा नहीं, ये 1 खाने का चम्मच तकरीबन, क्योंकि प्याज पता है ना पानी छोड़ता है, आलू में भी पानी होता है, थोड़ा सा और पानी, इसीलिए कह रही थी थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसको हाथों से जो है ना मिक्स करना है, तो मेरे हाथ धुले हुए हैं, किसी ने खींचती नहीं आ रही क्योंकि क्या करें, कुछ चीज़ें जो है ना मिक्स अच्छी तरह करनी होती है, वरना फिर ऐसे ही सही जगह पर सारी मिर्चें ना उजमा कह रही है कि असी खाना है तो उजमा पा हमें असी खाना है तो इससे एहतियात करना है, लेकिन मैं तो खैर हाथ साफ नहीं मेरे, ये देखें अभी भी गाढ़ा लग रहा है, पता ज़्यादा गाढ़ा भी जो है ना पकौड़े सख्त सख्त से बनते हैं। ये देखिए मैं तकरीबन ये 1 कप पानी है, 4 से 5 खाने के चम्मच जो है ना पानी लगा इसमें, अब सही है, अब इतना पानी ठीक है। जो है हमने गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है, अब इसमें हमने पकोड़े बनाने हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाइएगा, छोटे छोटे बनाइएगा, इस तरह बहुत तेज़ फ्लेम पर भी नहीं फ्राई कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि हाथों से पकोड़े इस तरह निकालें, चम्मच से नहीं निकालिएगा। बाद में हटाती हूँ इसको, असल में मैंने छोटी कढ़ाई ली है ना इसकी वजह से। ठीक है, जितने आते हैं उतने डाल के तो फ्राई करते हैं, फिर मैं जैसे ही फ्राई होते हैं ना स्लो फ्लेम पर, फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा, ये देखिए फ्राई हो गए हैं, और मैंने आपको कहा था स्लो फ्लेम पर, फिर मैंने मीडियम कर लिया था, क्योंकि स्लो फ्लेम पर भी ज़्यादा देर इसको पकाएंगे तो फिर भी हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने। इसी तरह हम जो है बाकियों को भी फ्राई कर लेते हैं, साइज छोटा छोटा ही रखिएगा। देखिए हरे प्याज वाले जो हैं वो पकोड़े तैयार हो गए हैं, और मौसम को भी एंजॉय कीजिए, सर्दियों को कीजिए और पकोड़ों को एंजॉय कीजिए। हूँ मैं पंजाबी दस दा ना हरा प्याज लिया सी 1 पाव, तो उन्होंने मैं धो के तो कट लिया सी खुश करके ना, एक आलू से उन्होंने मैं कद्दूकश कर लिया सी, सारी चीज़ें पा के 200 ग्राम बेसन सी उन सारी चीज़ों मिक्स करके ना, तो थोड़े सारे पानी के ना मैं उन्होंने जड़ना बैटर तैयार कर लिया सी, तो फिर उन्होंने ऑयल के फ्राई कर लिया सी हत्था दे, फ्राई करना देखो ना कि सोनी चुंजा चुंजा बनिया ने, वरना चमचे ना गोल गोल सा बड़े टाइप के बनते हैं,
तो कोशिश करना ऐसा दी शक्ल बने और बड़े जबरदस्त बने। मौसम में एंजॉय करो ते पकौड़े भी एंजॉय करके मैं कमेंट जरूर कर देना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।